गली से है कि पुलिस आती है तब तक हम थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं, दूसरे गली में आते हैं, एक दूसरे को ताली देते हैं, अरे देखो कैसे भागा, कैसे पुलिस की मजा ली। दोस्तों हम वो सब देखते हैं, हमारी एक तीसरी आंख रहती है, हमें पूरा उनके हमारे ऊपर हंसने का नहीं लगता है, या हमें 10 में से 2 लोग गाली देके जाते उसका हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी कोशिश रहती है जो हंस के जा रहे हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के घर का उनके वजह से रोजी रोजी चलता है और उनको कोरोना नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश ये रहती है। दोस्तों पुलिस की आवाज समझो, हम तेरे दिन से हमारा गला हम फिर सुबह से लेकर शाम तक ही शुरू करते, किस लिए? कुछ लोग तो कहते कोरोना है ही नहीं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनको कोरोना हुआ, मैं भी अगर ऐसे बोलता तो नहीं बोल सकता, मैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, या हमारे घर में दादाजी है पिताजी है उनको कोरोना हुआ तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कोरोना है ही नहीं? दोस्तों देश विदेश में चल रहा है और कोरोना से डरने की जरूरत ही नहीं है, और हमारा ये प्रयत्न जो है ना वो आपको कोरोना ना होने के लिए, कोरोना होने के बाद क्या करना है वो तो आप सबको पता है, वो सबके मैं तो वो भी बताना चाहूंगा कि आप सबको जो पता है वो मैं दोहराना चाहूंगा, हॉस्पिटल्स में बेड है क्या? नहीं मिल रहे, औषधों भेटता का ना ही भेटा है, तो दोस्तों वो वोट क्यों आने देने का कि हमारे दादाजी हॉस्पिटल के बाहर खड़े इंतजार में कि कब अंदर लेंगे, हमें लोगों की इस वक्त जाने बचानी है। और कुछ लोग बोलते हैं मुस्लिम एरिया में लोग सुनते नहीं है, बच्चे मजाक ज्यादा करते हैं, उनके घर वालों को ध्यान नहीं है, कोई इधर जाओ ही मत, पुलिस की भी मस्ती करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव अलग है, मैं हर एरिया में बोलता हूँ, मुझे आपके एरिया से फोन आते साहब नहीं आप लोग आते हो ना, वो जो 2 लोग आपसे हंसते हैं आपकी मजाक उड़ाते ना उनका मत सुनो, बाकी 8 लोगों के लिए आओ, तो मैं वो 8 के साथ वो जो बच्चे रहते हैं जो मास्क नहीं लगाते जो गर्दी में भीड़ भाड़ में जानबूझ के जाते हैं पुलिस के आने के बाद भागते हैं वापिस आते हैं मस्ती करते हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जान बचनी जरूरी है, कोरोना से एक ही घर के 5 लोग हैं, हालांकि आपके सीनियर साहब हमारे बताया था 5 लोग क्या होते हैं, अकेला लड़का बचा उनके घर में कौन ध्यान देगा उसका, मैं भिवंडी में बचपन से बड़ा हुआ, एक बड़ा भाई कल मरा दूसरे दिन मरा, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन प्रिकॉशंस लेना कितना जरूरी है यह आप तक पहुंचना चाहिए, इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोइए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, सुबह उठते ही एक अंडा खाइए, डॉक्टर्स बता देंगे। मैं 2 साल से रोड पे आता हूं गली कूचे में, मुझे कोरोना नहीं हुआ, और मैं यही चाहता हूं जो मेरे भाई है जो मेरे बहने हैं उनको कोरोना ना हो, ईद साल ईद हमेशा हम जल्लोश से मनाता है, मैं हिंदू लेकिन मैं बचपन से बड़ा मुस्लिम लोगों ने हुए जीवन में देखता हूं कितने जल्लोश के साथ ईद मन के आने वाले ईद भी जल्लोश से ही मनाएंगे, लेकिन अपने घरों में रहकर नमाज घरों से अदा करेंगे, इस वक्त ये हालात में हम मस्जिदों में जाके भीड़ करके नमाज पढ़ेंगे, इसलिए दरख्वास्त है अपने घर को, मैं हमेशा बोलता हूं अपने घर को मस्जिद बना ले जा रहा हूं, देखो अगर 80% भी सुनेंगे ना तो ये कोरोना अपने शहर से अपने एरिया से चल जाएगा, हम एक देश को इस देश को हमारे यहां से एक मैसेज जाएगा, देखो बाजार पे पुलिस स्टेशन के लोग सुनते हैं जो आज कोरोना 71 लोगों की जान गई थी 1 महीने पहले अपने बाजार के एरिया से, मैं आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैं आज का आंकड़ा नहीं बताऊंगा आपको, आप शायद जानते होंगे 1 महीने पहले बाजार देख के अपने उम्र के 71 लोग कोरोना की वजह से जान गई है, कोई जाके पूछे उनके घर को और बोलो कोरोना नहीं है, दिन चलता है जिनका, किसी का बाप गया है किसी का बेटा गया है। दोस्तों मैं एक से फिर से दरख्वास्त करूंगा आप समझदार लोग हैं और फिर इसकी बात मानना ना मानना यह आपके दिल पे है, लेकिन देश की जब बात आती है तब सबने इकट्ठा होना चाहिए, ये कोरोना देश में आया हुआ संकट है, ये कोरोना देश में आया हुआ संकट है। दोस्तों आज आपने जो भीड़ आप मुझे देखने के लिए किया वहां भी आप डिस्टेंस रखो, एक आदत बना लो कि हमें 2 लोगों में डिस्टेंस रखना है, हमें मास्क पहनना है, क्या होगा मास्क पहनेंगे तो क्या तकलीफ है किसी को, कुछ लोग बोलते हैं साफ करने में तकलीफ, दिन रात मास्क पहनते हैं ठीक है, सेफोकेशन के लिए थोड़ा नीचे करो, 10 रुपए का मास्क आता है वो अपनी करोड़े 800 रुपए की जान बचाता है, हमें अल्लाह का दिमाग दिया है, भगवान ने देवों ने अपना टोका भी लगाया है, हमें नमाज घरों में ही अदा करनी है क्योंकि ये कोरोना विषाणु घातक है, एक बार शरीर में आ जाए ना
और अपने को दूसरे को सुखने हैं तो वो जल्दी ज्यादा तकलीफ में डालते हैं। हमारा बुजुर्ग बच्चा चाहिए, हमारे बेटे बच्चे चाहिए, हमारी पीढ़ी बच्ची चाहिए। और ये वही तो संदेश जाएगा, देखो भारत देश ने कैसे कंट्रोल किया। अब आ तो चुका है कोरोना, लड़ना तो है, वह देश कैसे सीमा तो हमारा सैनिक लड़ रहा है, उसको पता है गोली कहां से आने वाली है, कहां से आएगी, लगेगी सीधा बाहर निकलेगी, पता है कि उसे नहीं पता है। लेकिन हमें अपना दुश्मन पता है, कोरोना हमारा दुश्मन है, दरवाजे पर आ चुका है। अपने दुश्मन को दरवाजा खोल के घर में लोगे क्या? लोगे क्या आप लोग? एक सादा सवाल है। और कोरोना जो अपने गलों पर कोरोना ही ने हमको मर चुके भाइयों, हमें अपने लोगों की जान नहीं जाकर कराने आप 71 लोग बहुत हुए और 72 आदमी नहीं जाना चाहिए हमारा। और मैं तहे दिल से कहता हूं, अगर आप मास्क पहनेंगे, आप बार बार साबुन से हाथ धोएंगे, आप मार्केट में बेवजह नहीं आओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। एकदम छाती ठोक के कहता हूं। और हम सब कल्याण शहर से, हमारे देश से कोरोना मुक्त भारत करने के लिए आप पुलिस का साथ दोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। ये तालियां याद रहेगी कि आपने पुलिस का कहना माना है, आपकी ये तालियां आपको बचाने वाली है। ध्यान में रखिए, तालियों के पीछे का मतलब कि आपको मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोना है, घर के बाहर बिना मास्क नहीं निकलना है। बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई बात नहीं, इतना सुनो तो हम जीत गए। ओके, चलो थैंक यू सो मच।